हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहे की रेसिपी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और गैस ऑन कर दी थी। तो अब हम पैन को थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा ना, हम उसमें ऑयल डाल देंगे। तो अब हमारा पैन गर्म हो चुका है, तो हमने उसमें ऑयल डाल दिया थोड़ा सा। हमने ऑयल इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम जो पीनट्स हैं हमारे पास, वो हम थोड़े से रोस्ट कर लें। हमने एक प्लेट में पीनट्स ले लिए हैं। अब पीनट्स को हम पैन में डाल देंगे। तो हमने ये पैन में डाल दिए हैं पीनट्स। अब इसको हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो हमने जो फ्लेम है ना गैस की, वो मीडियम रखी है ताकि जो हमारे पीनट्स है वो जले नहीं और रोस्ट हो जाए अच्छे से। तो इसको हम हल्के हल्के से सॉटे कर लेंगे। तो देखिए गाइस, हमारे जो पीनट्स हैं ना, वो रोस्ट हो गए हैं हल्के हल्के। तो बस अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए गाइस, हमने इसको प्लेट में निकाल लिया पीनट्स को। तो गाइस, मैंने एक प्लेट में लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, और एक प्याज लिए मैंने, और एक मैंने टमाटर को चॉप किया है, और एक ही मैंने हरी मिर्च यूज़ की है। अगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो गाइस, मैं बास्केट में पोहे को डाल रही हूँ। फिर मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी बास्केट में। अब हम पोहे के ऊपर से पानी डाल देंगे ताकि जो हमारा पोहा है ना, वो अच्छे से वॉश हो जाए। मैंने पोहे को पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं उसको ऊपर से नींबू का रस डाल रही हूँ। अब मैं पोहे को 5 से 6 मिनट ऐसे छोड़ दूँगी ताकि जो हमारा पोहे का पानी है ना, वो अच्छे से निकल जाए और हमारा जो पोहा है वो ड्राई हो जाए। अब मैंने जो पहले पैन लिया था ना, उसी को लिया है और उसमें मैंने राई ऐड कर दिए। अब राई के गर्म होते ही हम इसमें जो प्याज लिया था ना, उसको डाल देंगे। तो मैं प्याज डाल रही हूँ इसमें। अब हम प्याज को तब तक के भून लेंगे जब तक कि इसमें ब्राउन कलर ना आ जाए, और जब इसमें ब्राउन कलर आ जाएगा ना, तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो देखिए गाइस, प्याज में ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर। अब हम सारे टमाटर को इसमें ऐड कर देंगे, और साथ में इसमें हरी मिर्ची भी डाल देंगे जो हमने चॉप की थी ना, वो भी डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। तो देखिए गाइस, हमारे जो टमाटर ना ऑलमोस्ट पक गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये हमने आधा चम्मच लिया है। अब इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो हमारी हल्दी है ना, वो अच्छे से पक जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। तो मैं इसमें आधे चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है ताकि जो हमारा पेस्ट है ना, वो अच्छे से भुन जाए। अब मैं इसमें पीनट ऐड कर रही हूँ। अब हमने जो सारे पीनट्स डाले ना, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो वो देखिए गाइस, हमारे जो पीनट्स वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पोहे को। तो हम सारा पोहा डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए गाइस, हमारा जो पोहा है वो कैसे लग रहा है। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए गाइस, हमारा जो पोहा है वो बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ।
तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया। तो मैं इसमें नमकीन भुजिया ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप इसको डाल भी सकते हैं और नहीं भी। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।